बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था रिलेटिंग टू स्किन इश्यूज़, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड, बट आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू वन थिंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम खाली विजुअलाइज करके या खाली वाटर अफर्म करके पीने से हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमको अगर अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको उसके लिए एक्शंस लेने बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बनाना है, फेयर चाहिए, आपको अपना कलर अच्छा करना है, आपको अपने हेयर्स अच्छे करने हैं, तो यू हैव टू टेक सम एक्शंस रिगार्डिंग दिस थिंग। आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अभी अपना स्किन केयर रूटीन कंप्लीट किया है। इट इन्वॉल्व्स क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। दिस इज़ द मस्ट। हम हमेशा इन बेसिक सी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते हैं। मैं तो यूजुअली बचपन से इग्नोर ही करते आई हूँ, बट आफ्टर मतलब लाइक इस एज में आने के बाद आई केम टू नो कि नो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यू नो हेल्थ या योर स्किन रिलेटेड इश्यूज़। क्योंकि जब हम अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं ना, जब हम अपनी जिस तरह हम अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी वर्क करती है, राइट? उसी तरह जब हम अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं तो हमारा स्किन भी अच्छी तरह से वर्क करता है, वो दिखता है हमारे फेस पे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बी ग्रेटफुल फॉर योर स्किन एंड डू द CTF। वन मोर थिंग, जिस तरह से हम किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं ना, जिस तरह से हम किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो चीज़ भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट देती है। तो अगर हम अपनी स्किन को रिस्पेक्ट देंगे, उसकी केयर करेंगे, तो हमारी स्किन भी हमको उतना ही ब्यूटीफुल यू नो शो करेंगी। लाइक हमको हमारी पर्सनैलिटी को एनहेंस करेगी। हमारी जो भी हमें देखेंगे ना, बोलेंगे यार कितनी ब्यूटीफुल स्किन है, कितनी यूथफुल लग रही है अभी भी इस एज में भी व्हेन यू ग्रो ओल्ड। So just take care of your skin. Good night.